प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सीमेंट होने वाली है। क्या होने वाला है? सीमेंट होने वाला है। तो सीमेंट क्या है? तो सीमेंट इज अ मटेरियल विच हैज़ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब पानी का प्रेजेंस होता है तो जो सीमेंट होता है वो ऐसा मटेरियल जो कोहेसिव नेचर का भी हो जाता है और एडहेसिव नेचर, यानी दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये रखता है। सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाई जोसेफ एस्फेडीन ऑफ यूके इन 1824, यानी 1824 में जोसेफ एस्फेडीन ने जो है इसके बारे में, मतलब सीमेंट को खोज किया था, इन्वेंट किया था। और ये यूके के थे। कहाँ के? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। इट्स अ कलर रिसेम्बल टू अ स्टोन फाउंड इन पोर्टलैंड इंग्लैंड। जो पोर्टलैंड में, जो इंग्लैंड में, पोर्टलैंड इंग्लैंड में है, तो उसमें जो स्टोन खोजा गया था उसके कलर के जैसा ही जो है इसका भी कलर रखा गया, इसलिए उस सीमेंट को जो है पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना गया। जो फादर ऑफ सिविल इंजीनियर हैं वो जॉन स्मिटन को जो है कंसीडर किया जाता है। देखो, अगर सीमेंट के बारे में बात किया जाए तो इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 40% वाटर स्टैंडर्ड डेंसिटी। अगर बात किया जाए सीमेंट का, तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है और वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो है 50 केजी होता है। अगर वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए तो वॉल्यूम होता है 50/1440, यानी 0.0345347 मीटर क्यूब। ये जो है वॉल्यूम आपका होता है एक बैग सीमेंट का। कितना? एक बैग सीमेंट का। जो टॉलरेंस वैल्यू होता है इन मेज़रमेंट ऑफ सीमेंट वो ±2% जो है लेकर चलते हैं। मटेरियल एंड यूनिट वेट अगर बात किया जाए तो ब्रिक मिशनरी का 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो है आपका 22 से 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो है 24 से 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सीमेंट मोटर जो है 20 से 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्टील जो है 78 से 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सीमेंट जो है 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है आपका होता है। टाइप्स ऑफ अगर सीमेंट के बारे में बात किया जाए तो दो तरीके का सीमेंट होता है, हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट इट सेट एंड हार्डेंस क्विकली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब पानी मिलता है तो बहुत जल्दी जो है क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और सेट हो जाता है, एंड रिजल्ट इन वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट विच इज स्टेबल। जब वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट में जो है इसका जनरली हम लोग जो है यूज करते हैं, जो कि स्टेबल होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पोर्टलैंड सीमेंट। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में बात किया जाए तो इट ऑब्टेंड फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम और लाइमस्टोन और जिप्सम के कैल्सिनेशन से जो है प्राप्त होता है। बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन इज नॉट वाटर रेजिस्टेंट। इसका जो हाइड्रेशन होता है वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है, जो कि आपका एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रॉ मटेरियल इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग आर्जिलेसियस में बात किया जाए तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, स्लैट, सेल एंड क्ले। कैलकेरियस में बात किया जाए तो लाइम स्टोन, मर्ल, सीमेंट, रॉक, चौक, इस तरीके का। केमिकल कंपोजिशन अगर बात किया जाए तो लाइम जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऑक्साइड जो होता है लाइम का, यानी CaO, ये जो है 60 से 65% होता है। इसका काम ये होता है कि कंट्रोल साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ, साउंडनेस और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ जो डिफिशियंसी होती है वो रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग एक्शन, जो सेटिंग एक्शन होता है और जो स्ट्रेंथ होता है उसमें रिडक्शन आता है अगर डिफिशियंसी अगर लाइम का हो, यानी लाइम की अगर कमी होता है तो स्ट्रेंथ कम जाएगा और जो सेटिंग एक्शन होगा वो भी कम जाएगा। सिलिका यानी SiO2, ये जो है 17 से 25% होता है। एक्सेस ऑफ इट काउज लो सेटिंग टाइम। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो जो सेटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। एलुमिना Al2O3, ये 3 से 8% होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्विक सेटिंग के लिए
और अगर एक्सेस हो जाता है तो जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है, यानी नो डिस्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये 0.526% होता है, ये कलर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मदद करता है इन फ्यूज़न ऑफ डिफरेंट इन्ग्रेडियंट ऑफ सीमेंट। मैगनीज या MgO ये 0.124% होता है, ये कलर और हार्डनेस को प्रोवाइड करता है। सोडा और पोटास Na2O और K2O ये जो है 0.5 to 1.3 होता है। इफ़ इट इज़ एक्सेस काउज इफ्लोरेसेंस एंड क्रैकिंग, अगर एक्सेस मात्रा में रहेगा तो इनफ्लोरेसेंस हो जाएगा और क्रैकिंग आपका देखने को मिलेगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड SeSO3 1 to 3% होता है, ये सीमेंट को साउंड बनाता है ना, क्या बनाता है, साउंड बनाता है। सीमेंट स्टोरेज अगर बात किया जाए तो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ सीमेंट, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट बैग इन वेयरहाउस इज 0.3 meter square, एरिया कितना होना चाहिए जो ऑक्यूपाइड होता है 0.3 meter square, और हाइट जो है 0.18 meter, जो लेंथ होता है बैग का, एक बैग सीमेंट का होता है 0.7 meter, और जो व्हील्स होता है वन बैग सीमेंट का 0.42 meter होता है। तो जो सीमेंट होगा मस्ट बी केप एवव द ग्राउंड लेवल ऑफ अबाउट 45 centimeter, बट ऑन साइड इट इज़ 15 centimeter। सीमेंट जो है जब जहाँ पे ग्राउंड पे रखते हैं वो 45 centimeter ऊपर होना चाहिए, लेकिन साइड पे जहाँ पे वर्क किया जा रहा है वहाँ पे जो है आपका 15 centimeter मिनिमम जो है ऊपर होना चाहिए हाइट पे। डिस्टेंस ऑफ सीमेंट बैग फ्रॉम द वॉल शुड बी 60 centimeter, जो वॉल से जो दूरी होनी चाहिए सीमेंट बैग का वो 60 centimeter होना चाहिए एज पर IS 4082/1996 के अनुसार। जो स्टैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट जो होगा सेल बी डन एज फॉलोज, इस तरीके से आपका होता है। पहला पॉइंट है कि सीमेंट सेल बी स्टोर्ड एट द वर्क साइट इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में जहाँ पे वर्क साइट किया जा रहा है, और असेड विच इज़ ड्राई, ड्राई होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए और मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे सीमेंट बैग सेल बी स्टैक्ड ऑफ द फ्लोर इन गोडाउन, गोडाउन में स्टैक करते हैं ऑन द वुडन पाइल इन सच अवे टू कीप अवे 150 mm to 200 mm क्लियर एवव द फ्लोर, फ्लोर से जो है 15 centimeter to 20 centimeter ऊंचाई पे रखते हैं। जहाँ पे भी गोडाउन में जब हम लोग रेकिंग करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मतलब रखते हैं, तो वहाँ पे जो है इस चीज़ को जो है ध्यान, खासा ध्यान जो है इसको रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखो खासा ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है, तो क्योंकि सीमेंट जम जाएगा और जम जाएगा तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है डू नॉट स्टोर सीमेंट इन ओपन, ओपन में जो है सीमेंट को नहीं रखना है। द स्टोरेज इन ओपन शुड बी लिमिटेड द मिनिमम पॉसिबल टाइम, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 48 घंटा तक जो है हम लोग ओपन में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है हमको ओपन में रखना नहीं है। जो हाइट होता है स्टैक का सेल नॉट बी मोर देन 10 bags, 10 bags से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होना चाहिए, ताकि टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ लंपिंग अंडर प्रेशर, ताकि हम लोग जो पॉसिबिलिटी है लंपिंग का अंडर प्रेशर वो उसको प्रिवेंट किया जा सके। जो विड्थ होता है स्टैक का शुड नॉट बी मोर देन 4 bag लेंथ और 3 meter, 3 meter या 4 लेंथ बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन स्टैक मोर देन 8 bag हाइट द सीमेंट बैग्स सेल बी अरेंज्ड अल्टरनेटिवली लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज इन सच अ वे टू टाई द स्टैक टुगेदर एंड मिनिमाइज डेंजर ऑफ टॉपलिंग ओवर, टॉपलिंग हमारा ना हो उसको मिनिमाइज करने के लिए लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज जो है अल्टरनेट करके जो है हम लोग बैग को रखते हैं, जो सीमेंट बैग है उसको। देयर शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ विंडोज इन स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग में
जो विंडोज़ होना चाहिए, नंबर ऑफ विंडोज़ बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर एकदम मिनिमम होना चाहिए। सीमेंट बैग शुड बी स्टैक्ड इन मैनर टू फैसिलिटेट देयर रिमूवल एंड यूज इन ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। अ लेवल शोइंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सीमेंट शैल बी पुट ऑन ईच स्टैक टू नो द एज ऑफ सीमेंट। जो भी हम लोग सीमेंट के बैग को स्टैकिंग करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं, उसके मैन डेट के अनुसार कि किस दिन वो उसको जो है बनाया गया है या किस दिन ला कर रखा गया है उसके अनुसार, क्योंकि पीरियड ऑफ स्टोरेज के अनुसार जो है सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। फ्रेश कंक्रीट, फ्रेश जो सीमेंट होता है उसका 28 दिन का जो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है परसेंटेज 100% होता है, 3 महीना के बाद 80%, 6 महीना के बाद जो है आपका 70%, 12 महीना के बाद जो है 60%, और 24 महीना के बाद जो है आपका 50% हो जाता है। वॉगिज कंपाउंड के बारे में अगर बात किया जाए तो वेन दीज रॉ मटेरियल्स आर पुट इन किल्न, जब किल्न में रखा जाता है, देन इट फ्यूज एंड फॉलोइंग फोर मेजर कंपोनेंट आर फॉर्म। फोर मेजर कंपोनेंट जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको एलाइट कहते हैं, ये होता है 3CaOSiO2, इसको फार्मूला होता है C3S, एवरेज 40% होता है, ये इसका काम होता है 7 डेज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए। डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसको बी लाइट कहा जाता है, इसका ये कंपाउंड होता है 2CaOSiO2, फार्मूला होता है C2S, एवरेज जो है 32%, फंक्शन होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 1 ईयर स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट सी लाइट कंपाउंड 3CaOAl2O3, फार्मूला C3A, एवरेज 10%, फ्लैश सेट इनिशियल सेटिंग टाइम इसका काम होता है, और टेट्रा कैल्शियम एलुमिना फेराइट इसको फेर लाइट कहा जाता है, कंपाउंड होता है 4CaO.Al2O3.Fe2O3, फॉर्मूला होता है C4AF, एवरेज 8% होता है। ये जो है इसका काम होता है पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, क्या होता है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू। बात किया जाए अगर यहाँ पे हम लोग जो एल्युमिनियम सल्फेट होता है कैन बी यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के क्विक सेटिंग के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। इट इज़ फाउंड डैट ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अचीव 20% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इन 28 डेज में फाइनल स्ट्रेंथ का 70% अचीव कर लेता है, एंड अबाउट 90% इन 1 ईयर, और एक साल में जो है 90% अचीव करता है। बट फॉर डिज़ाइन पर्पज़ वी टेक 28 डेज स्ट्रेंथ एज 100%, लेकिन जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग ये लेकर चलते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो आपका जो भी चीज़ें हैं उसको 100% लेकर चलते हैं कि 28 दिन में ही जो है कम्प्लीट स्ट्रेंथ जो है प्राप्त कर लिया है। फ्लैश सेट इज़ द स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, जो फ्लैश सेट है वो स्टीफनिंग है सीमेंट पेस्ट का विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विद हीट इवोल्यूशन, हीट इवोल्यूशन के बिना ही जो है वो आपका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाता है। कोल्ड परमेच्योर हार्डनिंग ये कॉज किया जाता है C3A यानी कैल्शियम एल्युमिनेट के कारण से, और हाई अल्कली प्रेजेंट होने के कारण से। ड्राई कैल्शियम एल्युमिनेट C3A रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर, वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है एंड रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए। जिप्सम जो है ऐड किया जाता है सीमेंट में ताकि जो फ्लैश सेटिंग है उसको रिड्यूज किया जा सके। आफ्टर फ्लैश सेट मिक्सिंग इज़ नॉट अलाउड, मिक्सिंग को जो है अलाउ नहीं किया जाता है अगर एक बार फ्लैश सेट हो गया तो, बिकॉज नो ग्रेन इन स्ट्रेंथ
बिकॉज नो गेन इन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद उसमें किसी तरीके का स्ट्रेंथ गेन नहीं होता है। जिप्सम रिटार्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट को क्या करता है, रिटार्ड करता है और डिले द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को डिले करता है। जिप्सम इज़ यूजुअली मिक्सड विद क्लिंकर एट द टाइम ऑफ फाइनल ग्राइंडिंग, फाइनल ग्राइंडिंग के टाइम में क्या किया जाता है, जिप्सम को मिक्स किया जाता है क्लिंकर के साथ एट द टाइम ऑफ फाइनल ग्राइंडिंग। एक्सेस जिप्सम मेक सीमेंट अनसाउंड, जो अगर एक्सेस मात्रा में जिप्सम हम लोग मिला देंगे तो वो अनसाउंड हो जाए को बना देगा। और जिप्सम इज एडेड टू क्लिंकर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5 to 3%, 2.5 to 3% से ज़्यादा जिप्सम जो है हम लोग ऐड नहीं करते हैं। फॉल्स सेट, फॉल्स सेट जो है रैपिड स्टिफनिंग या और जो हार्डनिंग है विद नो प्रॉपर इवोल्यूशन ऑफ हीट इन फ्रेशली मिक्सड पोर्टलैंड सीमेंट मोटार और कंक्रीट, तो उसको जो है फ्लैश सेट कहा जाता है। जो वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर हाइड्रेशन के लिए अगर बात किया जाए तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो बाउंड वाटर जो होता है वो आपका 23% होता है बाई वेट ऑफ सीमेंट। जेल वाटर जो होता है वो हमारा 15% बाई वेट ऑफ सीमेंट होता है, तो टोटल मिनिमम जो वाटर होगा बाई वेट ऑफ सीमेंट वो 38% आपका हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर बात किया जाए तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है C4AF, उसके बाद उससे कम होता है C3A, उससे कम होता है C3S और सबसे कम होता है C2S। और रेट ऑफ हीट ऑफ इवोल्यूशन जो है बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होता है C3A, उससे कम होता है C3S, उससे कम होता है C4AF और उससे कम होता है C2S। जो नॉर्मल रेंज होता है फ्रॉम अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू मिक्स ईच 50 kg बैग ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 20 to 30 liters फॉर OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इट इज़ 27 लीटर्स पर बैग, पर बैग के अनुसार 27 लीटर पर बैग होता है। एंड फॉर पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट के लिए, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट के लिए हम लोग जो है 25 लीटर पर बैग लेकर चलते हैं। एट वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.45 पे है ना, W/C वाटर सीमेंट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो फास्टर होगा इन फाइनर सीमेंट में ड्यू टू हाई सरफेस एरिया। जो कैपिलरी पोर्स होगा इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में, हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट कंटेन्स सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर, लेकिन इंटरकनेक्टेड तो नहीं होता है लेकिन कुछ क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर को क्या करता है, कंटेन करता है। ये जो फिगर है ये आपका ट्यूब मिल का है, ये आपका फीड इनलेट है और ये आपका जो है एयर सेपरेटर आपका है। यहाँ पे आपका जो है इसका अगर वाल मिल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है आउटर फेनल है, ये हार्डेंड स्टील वॉल है, सीएफ है, कर्व्ड स्टील प्लेट आपका जो है लगाया गया है और आउटर केजिंग जो है ये आपका दिया गया है। ओके, देखो प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो ड्राई प्रोसेस के लिए टेम्परेचर रेंज जो है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जिप्सम अमाउंट के लिए 2 to 3% इकोनॉमिकली इनफ्यूल मोर होता है ड्राई प्रोसेस और मटेरियल जो है ड्राई स्टेट में होता है। लेकिन वेट प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो टेम्परेचर जो है 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस, जिप्सम अमाउंट जो है 3% इकोलॉजिकल इनफ्यूल लेस होता है और मटेरियल जो है स्लरी स्टेट में होता है। नाउ अ डेज वी यूज ड्राई प्रोसेस, हम लोग जो है ड्राई प्रोसेस को जनरली जो है हम लोग यूज करते हैं आजकल। बात किया जाए टाइप्स ऑफ सीमेंट की तो सबसे पहला है पोर्टलैंड सीमेंट, ये क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज ए 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ 60
3% लाइम, 22% सिलिका और 15% अदर मटेरियल आपका होता है। ओपीसी बात किया जाए 33 ग्रेड के लिए तो आईएस 269 2015 में पढ़ते हैं, ओपीसी 43, आईएस 8112 1989 के अनुसार में और ओपीसी 53, आईएस 12269 1987 में। आईएसटी यानी इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट्स और एफएसटी यानी फाइनल सेटिंग टाइम जो है 60 मिनट होता है। द एक्सपेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जो एक्सपेंशन होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, वो कॉज किया जाता है बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री लाइम CaO एंड मैग्नीशिया MgO। अगला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये IS 8041 में पढ़ते हैं, मोर C3S एंड लेस C2S एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेरिजन में C3S ज़्यादा होगा और C2S जो है कम होगा। इट इज़ 10% मोर कॉस्टली, ये 10% ज़्यादा महंगा होता है OPC के यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। नोट यूज्ड इन मास कंक्रीट, मास कंक्रीट में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इट प्रोड्यूस लार्ज श्रिंकेज, ये लार्ज श्रिंकेज जो है प्रोड्यूस करता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है अटेन सेम स्ट्रेंथ इन वन डेज विच एन OPC ऑब्टेन 3 डेज। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो 3 दिन में जो स्ट्रेंथ कैप्चर करेगा, अटेन करेगा, प्राप्त करेगा, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है 1 दिन में कर लेगा। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज नॉर्मल सीमेंट सेटिंग सीमेंट, जो नॉर्मल सेटिंग सीमेंट होता है उसके कंपैरिजन में सेम होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ये सूटेबल होता है फॉर रिपेयर ऑफ रोड्स, ब्रिज एक्सेट्रा के लिए। एक्स्ट्रा हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें +2% CaCl2 एज एसिलेटर जब मिला देते हैं तो ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग जो है सीमेंट बन जाता है। स्पेशली यूज किया जाता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इन कोल्ड वेदर बट ऑल्सो गिव एक्सेसिव श्रिंकेज, ये एक्सेसिव श्रिंकेज जो है प्रोवाइड कर देता है लेकिन ओल्ड वेदर में जो है इसका स्पेशली जो है यूज किया जाता है। हाई एलुमिना सीमेंट IS 6452 1989 के अनुसार, बॉक्साइट 40%, लाइम स्टोन जो है 40%, आयरन ऑक्साइड 15%, स्ट्रेंथ जो है न्यूटन पर mm² में, 1 दिन में जो है 35 से 40 न्यूटन पर mm², 3 दिन में जो है 50 न्यूटन पर mm², इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 3 घंटा 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 5 घंटा। जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है ये यूज किया जाता है रिफैक्ट्री कंक्रीट इंडस्ट्रीज एंड यूज्ड वाइडली इन प्री कास्टिंग में। जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है पार्टिकुलरली सूटेबल होता है सी और अंडर वाटर वर्क के लिए। वेरी रेजिस्टेंस होता है टू केमिकल अटैक, केमिकल अटैक में एक्सपेंशन लेस देन 5 mm, लेस देन 5 mm। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिक्सचर्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड जिप्सम, इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर क्यूरिंग एंड सटरिंग। क्यूरिंग और सटरिंग के लिए ज़्यादा टाइम लेता है जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है। ये हाई सल्फेट रेजिस्टेंस होता है और इसका यूज जो है मास कंक्रीटिंग में किया जाता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज मास कंक्रीटिंग में आपका जो है किया जाता है। अगला है सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट मिक्सचर ऑफ 80-85% ग्रैनुलेटेड, जो स्लैग होता है 10-15% कैल्शियम सल्फेट होता है, 5% पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स होता है। जो सल्फर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो रेजिस्टेंट होता है टू केमिकल अटैक्स पार्टिकुलरली टू सल्फेट एंड हाईली रेजिस्टेंट टू सी वाटर, हाईली रेजिस्टेंट टू सी वाटर, यूज फॉर लीनिंग ऑफ कनाल एंड मैरीन वाटर। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी एडमिक्सचर,
जो सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसके साथ किसी तरीके का एडमिक्सचर्स को यूज नहीं किया जाता है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट इसमें जो है C3 और C3A एंड मोर कंटेंट ऑफ C2S होता है, मतलब C3S और C3A कम होता है और C2S जो है इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है। जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है ये आपका यूज किया जाता है मास कंक्रीट वर्क के लिए, वाइडली यूज किया जाता है इन रिटेनिंग वॉल और डैम में। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है वो लो होता है बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है सेम होता है। पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट IS 1489E पार्ट 1 में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्लस 10-30% अगर फ्लाई एस्क बाई मास मिला देंगे तो पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट हो जाएगा। इट इज़ यूज इन मैरीन वर्क, जनरली जो है इसका मैरीन वर्क में जो है हम लोग यूज करते हैं। फ्री लाइम इज़ रिमूव, इसमें जो फ्री लाइम होता है उसको रिमूव करते हैं। हेंस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक इंक्रीज, जो केमिकल अटैक का जो रेजिस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट का। पोजलोना इंक्रीजेज इम्परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, इट इज़ रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, रेजिस्टेंट जो सल्फेट अटैक का जो रेजिस्टेंस होता है वो आप ये रजिस्ट करता है, क्या करता है सल्फेट अटैक के को रजिस्ट करता है। पोजलोना हैज़ नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, पोजलोना के बाद पास अपना खुद का कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। बट व्हेन इट कम्बाइंस विद लाइम, लेकिन जब इस लाइम के साथ कंबाइन करता है इट प्रोड्यूस अ स्टेबल लाइम पोजलोना कंपाउंड, एक स्टेबल लाइम पोजलोना कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है। विच हैज़ सीमेंटियस प्रॉपर्टी, जिसके पास जो है सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ आपका होता है। द एडिशन ऑफ पोजलोनाज इन कंक्रीट रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी बाई रिड्यूसिंग परमेबिलिटी, दूसरा इंक्रीज इन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तीसरा रिडक्शन इन श्रिंकेज, जो कि बट इन सीमेंट इट इंक्रीजेज रिडक्शन इन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट आपका होता है। जो ऑप्टिमम अमाउंट होता है पोजलोना का एज रिप्लेसमेंट फॉर सीमेंट में नॉर्मली रेंज बिटवीन 10-30% होता है आपका, और मे बी एज लो एज 6% फॉर नेचुरल पोजलोनास। तो ये आपका यहाँ पे होता है। बात किया जाए फ्लाई एस की, तो ये फ्लाई एस जो है ये रेसिड्यू होता है फ्रॉम कंबसन ऑफ पुलवराइज्ड कोल कलेक्टेड बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर फ्रॉम फ्ल्यू गैसेज एंड पावर प्लांट से। जो फ्लाई एस होता है ये पार्टिकल होता है जो कि जनरली अस्फेरिकल इन शेप होता है और इसका जो रेंज होता है 0.5 to 300 micrometers होता है। ये कंसिस्ट करता है SiO2 जो कि 30-60%, Al2O3 जो है ये 15-30% और CaO आपका होता है। जो फ्लाई एस होता है ये 80% ऑफ टोटल एस प्रोड्यूस होता है। जो फ्लाई एस होता है ये डिक्रीज करता है सेग्रीगेशन को, ब्लीडिंग को और जो परमेबिलिटी होता है ऑफ कंक्रीट का उसको। जो फ्लाई एस होता है ये ऑल्सो लोअर द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, जो कंक्रीट मिक्सचर का जो अर्ली स्ट्रेंथ होता है उसको भी कम करने का काम करता है, क्या करता है उसको भी कम करने का काम करता है। ओके, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है इज अ बाई प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट होता है ऑब्टेंड बाई स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जो आपका ओर का स्मेल्टिंग होता है उससे जो है आपका बनता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है ये फाइन ग्रेनेड
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। क्या होता है? फाइन ग्राउंडेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है विद रिड्यूज जिप्सम। क्या होता है? रिड्यूज जिप्सम के आपका होता है कंटेंट एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट होता है जो क्विक सेटिंग टाइम होता है। इसका जो सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट होता है। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है ये क्विकली सेट करता है बट नॉट हार्डन। ये लेकिन हार्डन नहीं होता है। जो क्विक सेटिंग सीमेंट है ये यूज किया जाता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर विंजोल रिजिन और वेजिटेबल फैट्स ऑफ ऑयल और फैटी एसिड को अगर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो एयर इंट्रेनिंग सीमेंट बन जाता है। अ स्मॉल अमाउंट यानी 0.1% बाई वेट ऑफ एन एयर इंट्रेनिंग एजेंट आपका जो है होता है। वेट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट IS 8042 के अनुसार में आपको इसके बारे में पढ़ना है। वाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, फ्रॉम प्योर वाइट चौक चाइना क्ले एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्योर वाइट चौक चाइना क्ले और आयरन ऑक्साइड, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेराजो फ्लोरिंग ऑर्नामेंटल वर्क्स और कास्टिंग स्टोन्स मोनूमेंट्स बिल्डिंग्स, इन सभी में आपका होता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड रैनवो और स्नो सेम और कैलोक्रीट सीमेंट के नाम से जो है इसको जाना जाता है। हंटर स्केल इज़ यूज फॉर चेकिंग वाइटनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के वाइटनेस को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए हंटर स्केल का यूज करते हैं। वाइटनेस शुड नॉट बी लेस दैन 70%, 70% से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। वेन यूज इनिशियल जो सेटिंग स्टैंडर्ड स्केल होते हैं उससे बात किया जाए आपका एक ये जो ISI स्केल्स होता है ये एक तरीके का कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कि बताता है प्रोडक्ट को, कंफर्म करता है कि वो प्रोडक्ट जो है आपका इंडिया का है। 5 से 10% का कलरिंग पिगमेंट बिफोर ग्राइंडिंग फॉर कलर सेगमेंट। कलर सेगमेंट को ग्राइंडिंग करने से पहले जो है कलरिंग एजेंट्स को जो हम लोग 5 से 10% जो है प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो कलर्ड सीमेंट जो है आपका बन जाए। वाटर रिपिलेंट एंड हाइड्रोफोबिक सीमेंट ये कब बनता है? जब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में फ्रैक्शन ऑफ ऑयलिक एसिड स्टेरिक एसिड और पेंटा क्लोरोफिनोल को अगर ऐड कर देते हैं तो वाटर रिपेलटेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो है आपका बन जाता है। सूटेबल फॉर बेसमेंट एंड मेकिंग वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स मिनिमम स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ बात किया जाए आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड के लिए तो 3 दिन में 16 N/mm², 7 दिन में 22 N/mm और 28 दिन में 33 N/mm². पोर्टलैंड पोजलोना का 3 दिन में 16 N/mm², 7 दिन में 22 N/mm² और 28 दिन में 33 N/mm². लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट 3 दिन में 10 N/mm², 7 दिन में 16 N/mm² और 28 दिन में 35 N/mm². टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बात किया जाए तो अलग अलग टेस्ट जो है कि आपके किए जाते हैं। तो टेस्टिंग शुड बी टेकन फ्रॉम 12 डिफरेंट बैग और 12 डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम हीप। जो वेट होता है सैंपल का वो कलेक्ट किया जाता है। शुड बी एट लीस्ट 5 kg। जो आपका टेस्ट होता है सीमेंट का फील्ड और लेबोरेटरी टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट में अगर बात किया जाए तो हम लोग जो है पता लगाते हैं कि जो कलर है सीमेंट का वो ग्रे कलर ग्रेज कलर का होना चाहिए और लंप उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जब सीमेंट में हाथ लगाएंगे तो हम लोगों को ठंडा महसूस होना चाहिए, गर्म नहीं। तीसरा थीन पेज जब भी
सीमेंट का फील करेगा स्टिक्ड बिटवीन फिंगर्स, और इफ़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन वाटर फ्लोएट इनिशियली जो है वाटर में क्या करेगा, फ्लोट करेगा और देन फिर जो है उसमें डूब जाएगा। लेबोरेटरी टेस्ट में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला आता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम लोग करते हैं फाइननेस, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ डिटरमिनेशन, ये सभी जो है करते हैं। केमिकल टेस्ट में जो है टोटल लॉस ऑफ इग्निशन जो कि लेस देन 5%, वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू लेस देन 4%, वेट ऑफ मैग्नीशिया लेस देन 6%, वेट ऑफ क्लोराइड लेस देन 0.1%। फाइनेस्ट टेस्ट ये मेजर करता है मीन साइज ऑफ ग्रेन इन सीमेंट। सीमेंट में जो मीन साइज ऑफ ग्रेन है उसको मेजर करता है। विद इंक्रीज इन फाइनेस, फाइनेस जैसे जैसे इंक्रीज करता है जो अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ होता है वो इन्हेंस करता है, यानी लीड टू हायर श्रिंकेज बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ नॉट अफेक्टेड। लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है। जो सेटिंग टाइम होता है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन फाइनेस। फाइनेस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा सेटिंग टाइम जो है डिक्रीज करेगा। फाइनेस कैन बी मेजर्ड बाई फॉलोइंग मेथड, कई सारे मेथड हैं जिसकी मदद से फाइनेस को मेजर करते हैं। पहला है सीएव मेथड, ये इट मेजर ग्रेन साइज यूजिंग 100 ग्राम सीमेंट एंड 90 माइक्रोन यानी 9 नंबर सीएव। वेंगर टर्बिडिटी, इट मेजर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एयर परमिबिलिटी मेथड, इट आल्सो मेजर स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन इट नर्स और वेलने अपरेटस इज यूज, नर्स और वेलने अपरेटस का यूज करते हैं। फ्लो मीटर फॉर क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग, जो फ्लो मीटर होता है फॉर क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग एंड मोनोमीटर फॉर प्रेशर आर यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ सीमेंट अगर बात किया जाए और रेसिड्यू और मिनिमम सरफेस एरिया, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का रेसिड्यू जो है 10% होता है और मिनिमम सरफेस एरिया जो है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट 5% रेसिड्यू, मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस जो है 300 मीटर क्यूब पर केजी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 5% रेसिड्यू होता है और 325 मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस होता है मीटर स्क्वायर पर केजी में। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है ये अमाउंट होता है वाटर का जो कि यूज किया जाता है टू मेक पेस्ट बनाने में ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इट इज़ अबाउट 30%। जनरली जो कंसिस्टेंसी होता है वो 30% लेकर चलते हैं। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर, कंसिस्टेंसी जो है ये परसेंटेज ऑफ वाटर होता है रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट पेस्ट के लिए। द विस्कोसिटी ऑफ विच विल बी सच डैट वाइकैट्स प्लंगर परसेंटेज अप टू 5-7 mm फ्रॉम बॉटम, 33-35 mm जो है फ्रॉम टॉप ऑफ द वाइकट मोल्ड आपका होता है। डायमीटर लेंथ और शेप ऑफ वाइकट अपरेटस फॉर डिफरेंट टेस्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो डायमीटर होता है 1 mm ऑफ स्क्वायर नीडल या 1.13 mm सर्कुलर स्क्वायर नीडल जनरली होता है। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 5 mm डायमीटर और साइज और शेप जो है एंगुलर रिंग होता है। कंसिस्टेंसी जो है 10 mm जो है साइज होता है डायमीटर और सॉलिड सिलेंडर आपका होता है। जो लेंथ होता है एबव अपरेटस का उसका जो रेंज होता है आपका 40-50 mm जो है लेकर चलते हैं। प्लंगर का नीचे का जो है 10.5 ये जो लेंथ है ये 50 होता है और ये जो थिकनेस होता है 1 mm स्क्वायर होता है। एयर वेंट आपका ये 5 और ये 0.3 और ये 6.4। इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये पॉसिबल होता है टू रिमिक्स सीमेंट पेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। 300 ग्राम सीमेंट प्लस 0.85 पी ऑफ वाटर इन 1 mm स्क्वायर नीडल पेनिट्रेट 33-35 mm फ्रॉम टॉप। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है फॉर ऑर्डिनरी
सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 30 मिनट्स, और फॉर लो हीट सीमेंट के लिए 1 घंटा, फॉर हाई एलुमिना सीमेंट के लिए 3 घंटा 30 मिनट आपका होता है, यानी 3.5 घंटा होता है। फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में बात किया जाए तो एंगुलर कॉलर रिप्लेसेस स्क्वायर नीडल, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है ये टाइम होता है लैप्स्ड बिटवीन मोमेंट्स वाटर इज एडेड एंड पेस्ट कम्प्लीटली लूज इट्स प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को कम्प्लीटली जो है आपका लूज कर दे रहा है, तो वो जो है आपका यहाँ पे होगा। नीडल मेक्स एंड इम्प्रेशन बट कॉलर फेल टू डू सो। नीडल जो है एक इम्प्रेशन जो है दिखाता है, बताता है, जताता है, लेकिन कॉलर जो है फेल हो जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट 10 घंटा होता है, लेकिन फॉर हाई एलुमिना सीमेंट के लिए 5 घंटा लेकर चलते हैं। यहाँ पे जो है आपका 300 ग्राम सीमेंट प्लस 0.85 पी और वाटर, पी जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो है आपका है सीमेंट का। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट जो है ये डिटेक्ट करता है चेंज ऑफ वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। सेटिंग के बाद चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है उसको जो है ये क्या करता है, बताता है या डिटेक्ट करता है। ली चैटेलियर मेथड और ऑटोक्लेव मेथड जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। ली चैटेलियर मेथड जो है ये मेजर अनसाउंडनेस यानी फ्री लाइन को मेजर करता है। 100 ग्राम ऑफ सीमेंट प्लस 0.78 पी ऑफ वाटर और रिजल्ट इज गिवन इन एमएम। रिजल्ट जो है एमएम में देता है। जो ऑटोक्लेव टेस्ट है ये सेंसिटिविटी को मेजर करता है बोथ लाइम एंड मैग्नीशा का। जो इंटरनल मॉल डायमेंशन होता है 25x25x250 mm होता है। रिजल्ट जो है आपका परसेंटेज में प्रोवाइड करता है जो कि लेस देन 0.8% होता है। जो मैक्सिमम एक्सपेंशन लिमिट होता है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, रैपिड हार्डनिंग का, लो हीट का, पोर्टलैंड का, मिशनरी सीमेंट का, वो 10 mm होता है। फॉर सुपर सल्फेटेड हाई एलुमिना सीमेंट 5 mm आपका जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन लिमिट जो है आपका होता है। टेस्ट परफॉर्म्ड एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट के लिए 0.85 पी, साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78 पी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए पी बाई 4 प्लस 3 और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए पी बाई 5 प्लस 2.5 वाटर रिक्वायर्ड होता है। स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट जो है साइज आपका 7.06 सेंटीमीटर, सीमेंट 185 ग्राम, इनोर सैंड 555 ग्राम और रेशियो जो होगा 1:3 हो जाएगा। वाटर जो है पी बाई 4 प्लस 3%, टेम्परेचर 27 ± 2 °C एट लीस्ट 3 क्यूब फॉर टेस्टिंग एंड रेट ऑफ लोडिंग जो है 35 N पर mm² पर मिनट होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ब्रेकवेट टेस्ट से करेंगे 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 नंबर यहाँ पे आपका होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 10 से 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जनरली जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। सीमेंट सैंड रेशियो जो है 1:3 होता है। वाटर जो है पी बाई 5 प्लस 2.5% और रेट ऑफ लोडिंग जो है 1.22-2.4 N पर mm² पर मिनट आपका होता है। साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब जो होता है वो 150x150x150 mm। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है मेजर किया जाता है कैलोरी मीटर के द्वारा। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो है मेजर किया जाता है ली चैटेलियर फ्लास्क के द्वारा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो 3.15 जो है लेकर चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइम स्लैकिंग, स्लैकिंग टेक्स प्लेस ऑन एडिंग वाटर। कलर सेट कलर वाइट एंड ग्रेज वाइट होता है। सेटिंग इट सेट स्लोली बाय टेकिंग CO2 फ्रॉम एयर एंड रिएक्टिंग विद वाटर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस, कॉस्ट चीप, हार्डनिंग स्लो। यूज किया जाता है फॉर सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन।
वही अगर बात किया जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट का, तो स्लैकिंग जो है हार्डनिंग टेक्स प्लेस ऑन एडिंग वाटर, कलर जो है डार्क ग्रे और ग्रेइश ब्राउन, सेटिंग जो है इट सेट रैपिडली बाय रिएक्टिंग विद वाटर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हाई होता है, कॉस्ट जो है कॉस्टली होता है, महंगा होता है, हार्डनिंग जल्दी होता है और सूटेबल होता है फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं सभी कंस्ट्रक्शन के लिए आपका जो है यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका। जो फाइनेस्ट टेस्ट होता है वो गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन और इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डैट जो मॉडरेट रेट होता है कूलिंग ऑफ क्लिंकर इन रोटेटरी कॉलर विल रिजल्ट हायर स्ट्रेंथ। 1200 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक, 500 डिग्री सेल्सियस फिर 10 मिनट तक करेंगे तो एम्बियंट टेम्परेचर जो है हमें प्राप्त होगा। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। आज के सेशन में किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका सहयोग आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वीडियोज़ आपके लिए तो फ्री का है, ये वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ होता है और हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के कुछ नए और अपकमिंग वीडियोज़ में।